हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैज जाफरी लर्निंग जोन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से मेथड हैं स्टील एस्टिमेशन के, और डाया ऑफ बार के अकॉर्डिंग उसका यूनिट वेट क्या होता है, और फिर हम लोगों ने देखा था कि नॉमिनल कवर कितना देते हैं। जो हम लोग बीम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें जो हम लोग नॉमिनल कवर देते हैं वो कितना देते हैं, और फिर हम लोगों ने देखा था कि बार्स हम लोग कौन कौन यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कितने तरह के शेप्स होते हैं स्टील के जो हम लोग यूज़ करते हैं बीम में या स्लैब में। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो अभी वो वीडियो जाएं और जाकर देखें, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अलग, आप लोग उसको जाएं और देखें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे शेप्स ऑफ स्टील बार हम लोग देखेंगे, शेप्स ऑफ स्टील बार कौन कौन से यूज़ होते हैं बीम में, और उसका लेंथ कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि शेप्स कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं स्टील बार्स के, कहाँ बीम में, और फिर उसका देखेंगे लेंथ कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए, मेन स्ट्रेट बार्स जो बॉटम में हम लोग रखते हैं होता है मेन स्ट्रेट बार, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हुक भी देते हैं साइड में, ठीक है। तो वो हुक जो देते हैं उसका कैलकुलेशन, उसका लेंथ अलग होता है, उसकी मेजरमेंट अलग करते हैं, कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं। देखिए, ये हमारा कौन सा बार है, मेन स्ट्रेट बार। इसमें जो यहाँ से इस एंड तक की जो दूरी होती है उसको एल कहते हैं, एल से डिनोट करते हैं, और एल बराबर क्या होता है, लेंथ ऑफ बीम माइनस टू इंटू एंड कवर। एंड कवर पिछले क्लास में देखा था कि एंड कवर कितना देते हैं हम लोग, उसके हिसाब से हम लोग एंड कवर देंगे। लेंथ ऑफ बीम जो होगा, जो ओवरऑल जो लेंथ ऑफ बीम होता है, बीम की जो लंबाई होती है, वो उसमें से दो इंटू एंड कवर हम लोग घटा देंगे तो हमें एल निकल जाएगा। एल क्या है, लेंथ ऑफ बार। अब कटिंग, ये यहाँ पे ये हुक भी देना है, तो कटिंग लेंथ कितनी होगी, तो वो हम लोग निकालेंगे एल से। एल बराबर हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ बार कितना हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ बार कितना हो जाएगा। देखिए, ये होगा आपका L, जो कि ये L हमने निकाला है, प्लस L प्लस 2 इंटू 9D। देखिए यहाँ पे दो हुक है ना, तो हुक के लिए हम लोग 9D इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं 9D फॉर ईच हुक, ठीक है। अलग अलग हुक के लिए हम लोग 9D इस्तेमाल करेंगे। ये कितना हो जाएगा, L प्लस 18D हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टोटल लेंथ ऑफ बार हो जाएगा, ओके। हालांकि जब HYSD बार यूज़ करेंगे तो ये हुक देने की ज़रूरत नहीं है उसमें, हम लोग सीधा सिर्फ एक स्ट्रेट बार हम लोग दे सकते हैं जिसमें L बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल L हो जाएगा। जो ये हमारा L निकला है, लेंथ ऑफ बीम माइनस टू इंटू एंड कवर, सिंपल वही हो जाएगा, L बराबर L। अगर हमारा बार अगर HYSD बार है तब हम लोग यहाँ पे हुक नहीं देते हैं। और ये जो एंड कवर है, एंड कवर हम लोग हमेशा 25 mm आमतौर से देते हैं, या फिर जो डाई ऑफ द बार है उसका डबल देते हैं हम लोग। दूसरा है बेंटअप बार, कहा जाता है इसे बेंटअप बार। ये जनरली हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेट देते हैं, मतलब एक स्ट्रेट एक बेंटअप, फिर एक स्ट्रेट फिर एक बेंटअप। ये हम लोग मेन रिइंफोर्समेंट लेंथ जो होता है वो प्रोवाइड करते हैं इसमें, मतलब जो हमारा स्ट्रेट बार होता है सेम उसके बगल में हम लोग ये देते हैं, लेकिन अल्टरनेट करके देते हैं। और ये कैसा होता है, ये होता है मेन रिइंफोर्समेंट लेंथ होता है, और इसको क्या करते हैं, दोनों तरफ से दोनों एंड पर जो है वो बेंट कर देते हैं हम लोग, इसलिए इसको बेंटअप बार कहा जाता है। और ये बेंटअप बार कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोग देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एडिशनल लेंथ एल होती है उसमें हम लोग कुछ और लेंथ जोड़ के हम लोग जो बार है उसको कटिंग करते हैं, और ये एडिशनल लेंथ क्या होता है, जो हम लोग बेंटअप किए हैं दोनों तरफ से, वो उसमें उसकी वजह से इसमें हम लोग एडिशनल लेंथ ऐड करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे इसमें कैलकुलेशन ऑफ लेंथ करते हैं। अगर इसकी फ़ोटो बनाया जाए यहाँ पर, अगर उसकी डायग्राम देखा जाए कैसे बनता होता है, तो ध्यान से देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, एक हमारा जो लेंथ होता है वो एकदम सीधा होता है, ठीक है। यहाँ से अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो ये हमारा एक ऐसे हुआ, और ये यहाँ से बेंट कर गया यहाँ, ठीक है, और ये यहाँ से इस तरह ऐसे होगा,
और फिर सेम पोजीशन हमारी यहाँ पर भी ये कैसे रहेगी, और ये हमारा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये जो हम लोग क्रैंक इसमें जो देते हैं हम लोग बेंट जो यहाँ पर बेंट करते हैं हम लोग, ये एक्चुअली होता है कितना, ये 45 डिग्री यहाँ पर ये एंगल होती है। ठीक है, ये भी हमारा कितना है, ये भी 45 डिग्री हम लोग देंगे। ठीक है, अब इसमें कैसे, अच्छा यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे एंड वाली है हुक दे देंगे इधर, और इधर भी हम लोग हुक दे देंगे। ठीक है, अब इसके लेंथ कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे जो क्या होता है, जो हम लोग हाइपोटेन्यूजल अलाउंस देते हैं वो कैसे कैलकुलेशन कर गया, हाइपोटेन्यूज अलाउंस का मतलब ये हो गया हाइपोटेन्यूजल अलाउंस, ये हम लोग देते हैं जो डी होता है, डी कितना क्या होता है, देखिए डी बाई साइन 45 डिग्री, डी कितना होता है, डी होता है हमारा जो ये बार है हमारा ये वाला आर्म और ये वाला आर्म, इसके सेंटर से जो दूरी होती है उसको, यानी कि हम लोग कहेंगे कि इस बार से इस बार की जो दूरी हो गई वो यहाँ डी रखेंगे, और साइन 45 डिग्री हम लोग रखेंगे, जो साइन 45 ये एंगल है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग हाइपोटेन्यूज अलाउंस कितना देते हैं वो हम लोग पता करते हैं। ये अप्रॉक्स वैल्यू आती है 0.14414 डी। ठीक है, या इसको हम लोग कह सकते हैं 0.42 डी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज अलाउंस। और ये डी जो है ये हम लोग कैसे पता करते हैं, डी की वैल्यू होती है, देखिए डी बराबर क्या हो जाएगा, जो हमारा टोटल डेप्थ ऑफ द बीम है, टोटल डेप्थ ऑफ बीम। ठीक है, टोटल डेप्थ ऑफ बीम, और उसमें से घटा देंगे, क्या घटा देंगे, उसमें से हम लोग घटा देंगे टॉप क्लियर कवर। ठीक है, टॉप क्लियर कवर मतलब ऊपर से हम लोग कितना छोड़ रहे हैं, और माइनस करेंगे फिर उसमें से बॉटम क्लियर कवर, कितना माइनस करेंगे, बॉटम क्लियर कवर। ठीक है, बॉटम क्लियर कवर हो गया, और फिर उसमें से हम लोग जो डाया ऑफ द बार है वो हम लोग माइनस कर देंगे, डाया ऑफ बार जो हम लोग है, जो हम लोग बेंट अप बार यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग माइनस कर देंगे, इस तरह हम लोग को यहाँ पर ये जो डी है वो निकल जाएगा। ओके, अब इसका टोटल लेंथ निकालेंगे कि टोटल लेंथ कितना होगा क्रैंक बार का। ठीक है, तो उसको ध्यान से देखिएगा कि क्या हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं। देखिए क्या है, टोटल लेंथ ऑफ क्रैंक बार, टोटल लेंथ ऑफ क्रैंक्ड बार, इसकी लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पर जो टोटल लेंथ ऑफ क्रैंक बार एट बोथ एंड कितना है, जितना हम लोग क्रैंक बार जो यूज़ करेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं एट बोथ एंड, क्रैंक बार एट बोथ एंड, क्लियर स्पैन, जो क्लियर स्पैन है जितना, जो दो कॉलम की जो दूरी होती है वो क्लियर स्पैन हो गई, प्लस दो इंटू बियरिंग समझते हैं कि कितना हम लोग उस पर बीम डाल रहे हैं कितने एरिया में। ठीक है, और माइनस टू इंटू एंड कवर। देखिए अगर इसमें कुछ चीज़ आपको नहीं समझ में आएगा तो वो हमसे कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, इसलिए कि हम ये समझ रहे हैं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें ये सब चीज़ आप लोग को सुनने में आ ही रही होगी, समझ में आती ही होगी, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। क्लियर स्पैन प्लस टू इंटू बियरिंग माइनस टू इंटू एंड कवर, जो एंड कवर हो गया छोड़ा हमने, प्लस हम लोग करते हैं इसमें, चूँकि दो हुक दे रहे हैं तो एक हुक के लिए नॉडी होता है, तो दो इंटू नॉडी, मतलब नॉडी हम लोग दो हुक था तो इसलिए हमने दो इंटू नॉडी किया, प्लस जो हम लोग हाइपोटेन्यूजल अलाउंस जो हम लोगों ने दिया है वो है टू इंटू दो दिया है, तो इसलिए टू इंटू 0.42 डी, ये हमारा हो गया टोटल लेंथ ऑफ क्रैंक्ड बार। ठीक है, जो दोनों एंड पे हम लोग दे रहे हैं वो, अब अगर मान लीजिए कि इसमें सिर्फ हम लोग एक ही, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हम लोग टोटल लेंथ निकाला हमने क्रैंक बार की जो बोथ एंड पर क्रैंक है, मतलब दोनों एंड पर क्रैंक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ टोटल लेंथ निकालें किसका, क्रैंक बार का, जो सिर्फ एक ही एंड पर क्रैंक किया गया है, तो उसकी लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसकी लेंथ ऐसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं टोटल लेंथ ऑफ क्रैंक्ड बार एट वन एंड
वन एंड कितना हो जाएगा? देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, टोटल लेंथ ऑफ बार क्या हो जाएगा, क्लियर स्पैन, जो क्लियर स्पैन है, क्लियर स्पैन में से क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि दो इंटू बेयरिंग तो होगा ही, क्योंकि दोनों एंड पर हम लोग को बेयरिंग देना है ना, तो दोनों एंड का तो दो इंटू बेयरिंग कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप देखिएगा, अच्छा एंड कवर तो दोनों में छोड़ना ही है, ठीक है, तो दो इंटू एंड कवर हो गया। उसके बाद क्या कर देंगे हम लोग, एंड कवर्स ले लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा इसमें क्या टू इंटू नाइन्टी है ना, तो दो इंटू टू इंटू नाइन्टी हो गया। और दो इंटू नाइन्टी क्यों हो गया, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक जो हुक है वो हम लोग इस तरफ दे रहे हैं और एक एक हुक इस तरफ देंगे, दो हुक रहेगा, इसलिए हम लोग इसमें जो है प्लस करेंगे टू इंटू नाइन डी। लेकिन चूंकि क्रैंक कहाँ है, एक ही एंड पर है, इसलिए हम लोग इसमें वन इंटू ज़ीरो पॉइंट फोर टू डी देंगे, ठीक है, क्रैंक के लिए हम लोग इतना लेते हैं। तो एक क्रैंक है तो इसलिए एंकर बार होता है जो कि हम लोग टॉप पे देते हैं, वो सेम वैसा ही होता है जैसे हम लोग मेन स्ट्रेट बार देते हैं, सेम वैसे ही हम लोग इसमें भी लेंथ फाइंड आउट करते हैं जैसे मेन स्ट्रेट बार में हम लोग करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्टीरअप्स देखते हैं, स्टीरअप्स जो लगाते हैं हम लोग वो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उसकी लेंथ कैसे फाइंड आउट होती है कटिंग के लिए, वो ध्यान से देखिएगा। देखिए स्टीरअप्स क्या होता है, ये तो सबको पता है कि जो हम लोग बार देते हैं ऊपर नीचे, उसको फोल्ड करने के लिए, एक साथ बांध के रखने के लिए हम लोग स्टीरअप्स का यूज़ करते हैं। ये क्या होता है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें सिंगल लेग्ड और टू लेग्ड होता है, जनरली हम लोग टू लेग्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उसकी लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखिएगा। देखिए स्टीरअप्स की अगर हम लोग शक्ल बनाएंगे तो कैसे बनेगी, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टीरअप्स कैसा होता है। देखिए यहाँ पर हम लोग बनाते हैं फिगर, ये आपको ये ऐसे हो गया, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये दो हुक हो जाता है, ठीक है, ये दो हुक होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, कैसे इसकी लेंथ निकालते हैं, टोटल लेंथ वो हम लोग देखते हैं। ये लेंथ आप मान लीजिए इसको ए, ये लेंथ मान लीजिए ए है, और ये लेंथ मान लीजिए कि बी है। तो इसकी फाइंड आउट लेंथ फाइंड आउट कैसे करते हैं, देखिए हम लोग जानते हैं कि बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इस कोने से लेकर इस कोने टोटल की लंबाई जो हो जाएगी वो कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए एक तो हमारा ये हो गया जो रेक्टेंगल है, टू इंटू एल प्लस बी है ना, लेंथ प्लस बी था, टू इंटू ए प्लस बी हो गया। प्लस क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि जो हुक देते हैं यहाँ पर हम लोग, वहाँ पे हम लोग 90 इस्तेमाल कर रहे थे पहले, अब यहाँ पे हम लोग 12D इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। टू इंटू यहाँ पे दो दे दिया ना, तो दो इंटू 12D हो जाएगा, ठीक है। अब ए और बी कैसे फाइंड आउट करेंगे ये मैं बता देता हूँ। देखिए ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि लेंथ कितना है, लेंथ उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे टू इंटू कवर जो हम लोगों ने कवर दिया है। और बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हमारी ब्रेथ है बीम की, ब्रेथ माइनस टू इंटू कवर। इस तरीके से हम लोग ए और बी फाइंड आउट करेंगे और टोटल लेंथ जो है इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज सीख लिया कि जो मेन स्ट्रेट बार है उसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेंटअप बार कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसकी लेंथ, एंकर बार और स्टीरअप्स की कैसे हम लोग, अब कल जो है जो हम लोग बार बेंडिंग शेड्यूल है वो हम लोग कल सीखेंगे कि कैसे हम लोग एक्चुअली हम लोग बार बेंडिंग शेड्यूल तैयार करते हैं। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी मैंने इस वीडियो में दे दी है, अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं और उसको कैसे हम लोग उसमें वेट कैसे निकालते हैं उसमें हम लोग। देखिए उसका फॉर्मेट हम आपको सिर्फ सिंपल आज बता देते हैं, कल हम लोग एक न्यूमेरिकल इसका करेंगे। देखिए इसमें जो हम लोग बनाते हैं ना वो एक जो टेबल होता है उसका हम लोग फॉर्मेट तैयार करके हम दिखा देते हैं कैसे क्या होता है उसमें। देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले कॉलम में हम लोग लिखते हैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसमें एक मिनट रुके दिखाई नहीं दे रहा होगा,
सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं हम लोग, डिस्क्रिप्शन किसका लिखेंगे, ऑफ द बार, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द बार, ये हो गया हमारा पहला कॉलम। उसके बाद उसमें देते हैं कि डाया ऑफ बार क्या है, डाया ऑफ बार, ठीक है। उसके बाद हम लोग देते हैं इसमें शेप ऑफ बार, शेप ऑफ बार, ठीक है, शेप ऑफ बार कैसा है जो हम लोग डाला डाल जो हम लोगों ने दिया है, यहाँ पर डाया दिया, यहाँ पर शेप दिया उसका। उसके बाद हम लोग लेंथ देते हैं कि जो भी हम लोग ने लेंथ निकालना सीखा है, कैसे लेंथ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो लेंथ हम लोग निकालते हैं, ये हम लोग मीटर में लिखते हैं, हम लोग लेंथ को हमेशा मीटर में लिखते हैं। कितने नंबर्स में है ये जो है, जो जिस तरह का बार है वो कितने नंबर्स में दिया गया है, वो हो गया। अब यहाँ लेंथ है, इसको नंबर से गुणा करके टोटल लेंथ निकाल लेते हैं, टोटल लेंथ निकाल लिया, ठीक है। और उसके बाद जो अगला टेबल है, यहाँ पे बस जगह नहीं है, फिर हम इसको थोड़ा सा ये करके दिखा देते हैं आप लोग को कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, वेट हो जाएगा, वेट वेट हो गया, और इसको हम लोग केजी पर मीटर में निकालेंगे, केजी पर मीटर, जो हम लोग का बार का बार निकालने के लिए हमने बताया था कि कैसे हम लोग यूनिट वेट निकालते हैं पर मीटर, वो यहाँ पे लिखेंगे। और फिर टोटल लेंथ से उसको गुणा करके हम लोग टोटल वेट निकाल लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा और आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टोटल वेट, यहाँ पर क्या लिख देंगे, टोटल वेट। इस तरीके से हमारा ये टेबल बनेगा। तो कल हम इसको डिटेल में आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम लोग किस कॉलम में क्या क्या डाटा भरेंगे। और इसके लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इसलिए कि इस पर आपको इस तरह की वीडियोस और भी सर्वेइंग से रिलेटेड और भी जो अदर सब्जेक्ट हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर स्टील स्ट्रक्चर, सभी की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेगी, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो इस जो मैंने बताया है, तो आप लोग ज़रूर इसको वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जाके ज़रूर पूछ लीजिए। और अगर किसी एक्स्ट्रा टॉपिक पे, कोई अलग टॉपिक अगर आपको जो नहीं समझ में आता है, अगर आप चाहें तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर स्पेशली एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।